हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बोलीथो टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो बोलीथो टेस्ट भी हमारा एक टेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए ही है। जैसा पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, टेस्ट जिसका नाम था क्या, बोलम टेस्ट 1957, तो आज एक टेस्ट है हमारा जिसका नाम है बोलीथो टेस्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो बोलम टेस्ट का था वो अमेंड किया गया 1997 में। ठीक है, किस केस के अकॉर्डिंग, ये जो बोलीथो वर्सेस सिटी एंड हैकने हेल्थ अथॉरिटी केस था, इसके केस में। ठीक है, तो इसके केस को अगर हम लोग समझें तो जो पैट्रिक बोलीथो थे, ठीक है, ये एक 2 साल का बच्चा था जिसको क्या था, पीडीए मतलब पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। ठीक है, तो इसी बच्चे का नाम क्या था, पैट्रिक बोलीथो था। ठीक है, उनको क्या हुआ, 2 एपिसोड्स हुए डिस्निया के, इसके बारे में डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, तो ये जो पीडीए वाले पेशेंट थे, इनको 2 एपिसोड डिस्निया का हुआ जिसके लिए डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने के लिए नहीं आए। फाइनली क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हो गया बोलीथो को, सीवियर ब्रेन डैमेज हुआ और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये जो बोलीथो की मदर थी, इन्होंने स्यू कर दिया किसको, हेल्थ अथॉरिटी को। तो ये हमारा केस है कौन सा, बोलीथो वर्सेस सिटी एंड हैकने हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स जो थे बोलीथो की मदर के वो ये थे कि अगर बोलीथो को इंट्यूबेट कर दिया जाता तो उनकी जान बच जाती। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट दिया, स्यू करने का जो कारण था वो बोलीथो की मदर ने इंट्यूबेशन वाला बताया। अब जो हेल्थ अथॉरिटी थी उस समय, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर था यहाँ पे, है ना, जैसे हम लोगों ने 4 Ds के बारे में बात करी थी, ड्यूटी ऑफ केयर, एंड सेकंड हमारा क्या था, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, डैमेज और डायरेक्ट कॉजेशन। तो हेल्थ अथॉरिटी जो थी उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर था। क्यों था, क्योंकि डॉक्टर ने जो है पेशेंट को अटेंड नहीं किया। ठीक है, लेकिन साथ में ये जो हेल्थ अथॉरिटी थी, इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट ये दिया कि अगर वो अटेंड भी कर लेते मरीज़ को, ठीक है, तब भी क्या होता, जान नहीं बच पाती। कैसे नहीं बच पाती, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में इंट्यूबेट उनको नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि इंट्यूबेट करने के लिए क्या देना पड़ता, एनेस्थीशिया देना पड़ता, और इनकी जो कंडीशन थी वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी थी उनके पार्ट पर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आर्ग्यूमेंट दिया बोलीथो के केस में कि अगर वो अटेंड भी करते तो इंट्यूबेट करना संभव नहीं था, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो है एनेस्थेटाइज्ड हम नहीं कर सकते थे बोलीथो को। और यही डिसीज़न जो है, सबसे बड़ी बात, ये कंसिस्टेंट था विद अ रेस्पेक्टेबल बॉडी ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन। ठीक है, उनका भी यही समझना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ने कॉज तो नहीं की बोलीथो के डेथ को, है ना, लेकिन क्या है, उन्होंने अटेंड भी नहीं किया, जबकि क्या हुआ, इन्फॉर्म उनको किया गया था जब बोलीथो को 2 एपिसोड्स आए थे डिस्निया के। ठीक, तो हेल्थ अथॉरिटी ने तो ये बोला कि बोलम टेस्ट यहाँ पर अप्लाइड होना चाहिए, लेकिन कोर्ट का जो व्यू आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है अपने एक्ट में नेग्लिजेंट थे, है ना, क्या थे, नेग्लिजेंट थे, उन्होंने यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दी जैसा कि बोलम टेस्ट में था। ठीक है, तो भले ही सारे जो प्रोफेशनल ओपिनियन थे वो भी यही कहते थे कि जो हेल्थ अथॉरिटी कह रही है वो सही कह रही है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि डॉक्टर साहब नेग्लिजेंट थे। ठीक है, वो बात की बात थी, आप इंट्यूबेट कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन आपने क्या काम किया, अटेंड नहीं किया अपने मरीज को, इसी वजह से बोलम टेस्ट यहाँ पर अप्लाइड नहीं हुआ। ठीक, और कोर्ट का व्यू क्या आया, कोर्ट का व्यू आया कि डॉक्टर साहब नेग्लिजेंट थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 टेस्ट जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के रिस्पेक्ट में देखे, एक हमारा था बोलम वर्सेस फ्रायर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, और आज हम लोगों ने दूसरा टेस्ट देखा, बोलीथोज टेस्ट। ठीक है, बेसिकली क्या था ये केस, बोलीथो वर्सेस सिटी एंड हैकने हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, थैंक यू।